गुजरात विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती में जिस तरह से रुझानों से ये पता चल रहा है कि यहाँ भाजपा रिकॉर्ड तोड़ बहुमत की तरफ बढ़ रही है, उससे यहाँ भाजपा समर्थकों में जश्न और उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। रुझानों में कांग्रेस और आप जैसी पार्टियाँ कहीं पीछे दिखाई दे रही हैं। गिनती शुरू होने के बाद से ही जो बढ़त भाजपा ने बनाई है वो जारी है। अहमदाबाद में भाजपा समर्थकों का जोश देखते ही बन रहा है। यहाँ तो ओनली फॉर बीजेपी चलती है, नरेंद्र भाई मोदी का इफेक्ट चलता है, नरेंद्र मोदी का काम चलता है, अमित भाई का काम चलता है और भूपेंद्र भाई पटेल का काम बोलते हैं। यहाँ तो गुजरात में तो बीजेपी चलेगी और चलती रहेगी। आप रुझान देखते हो, गुजरात के लोग फोगट में कोई रेवड़ी लेने वाला नहीं है, तो मेहनत करते हैं और मेहनत से कमाते और खाते हैं और हम विकास देखते हैं। मफत में कुछ लेते नहीं है, मफत का काम दिल्ली वाले को सौंपते हैं। हम गुजरात वाले मफत में कुछ नहीं लेते, हम तो हम विकास में मानते हैं। विकास जिसने हमारे गुजरात का विकास किया, देश का विकास किया है, नरेंद्र मोदी जैसा लायन बैठे, लायन उसको लायन बोलते हम, लायन जैसा है उसका प्रभुत्व है नरेंद्र भाई मोदी है हमारे लिए। रोजान विकास का कारण है, विकास का है, विकास का एजेंडा मेन है मेरे लिए। उसने विकास का है, देश का विकास किया है, गुजरात का विकास किया है, एक गुजरात का मॉडल है मेरा विकास का। इसी हिसाब से वो बीजेपी आएगी, रुझान देखते हैं और देखते रहेंगे। सबका रिकॉर्ड अभी जितनी इलेक्शन हुई इसका सबका रिकॉर्ड अब टूट जाएगा, बीजेपी तोड़ देगी, सब रिकॉर्ड तोड़ देंगी। हम भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत लाडले, मतलब हमारा हार्ट, हमारी धड़कन है वो नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी के कार्यकर है। सब लोग यहाँ पार्टी के लिए जीते, पार्टी लेके मर जाते हैं। और जब से हमने केसरिया धारण किया है तब से केसरिया में हम लपेटे गए हैं। तो हमारी ये पहले तो देश सेवा का हमारा मंत्र है, सबका साथ सबका विश्वास। और केसरीवाल जैसे हर लोग आते हैं, सपने दिखाते, लेकिन हमारी गुजरात की जनता है वो बिल्कुल उसमें आती नहीं है। और सब लोग आत्मनिर्भर है, सब महिलाएं कमाती है और सबके पति भी बहुत अच्छा कमाते, उनको सपने देखने की आदत नहीं है। उनको पहले बोलिए दिल्ली साफ करे, केसरीवाल को बोलो गंदगी यमुना की साफ करे, बाद में गुजरात आने की हिम्मत करे। हमारे भारत में, गुजरात में उसकी कोई जगह नहीं है, कोई कैंडिडेट की यहाँ जगह नहीं।